तीर्थ नगरी पुष्कर में कार्तिक एकादशी महा स्नान के साथ ही भीष्म पंचक पंचतीर्थ स्नान शुरू हो गया है। इसके साथ ही पुष्कर धार्मिक मेले का आगाज भी हो गया है। इस मौके पर देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने सरोवर पर पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई। पंचतीर्थ महा स्नान का पुण्य कमाने के लिए श्रद्धालु पवित्र सरोवर के घाटों पर अल सुबह ही उमड़ पड़े और पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान और दान पुण्य किया। विशेषकर सरोवर के मुख्य घाटों पर ग्रामीण अंचल की महिलाओं का तांता लगा रहा। महिला श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर तीर्थ पुरोहितों के बताए अनुसार धार्मिक अनुष्ठान किए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पंचतीर्थ स्नान में किए स्नान का फल 1000 बार किए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान और जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है वही फल कार्तिक माह में पुष्कर के तट पर स्नान करने से मिलता है। स्थानीय तीर्थ पुरोहित दिलीप शास्त्री ने बताया कि कार्तिक माह में हर वर्ष कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता पवित्र सरोवर में वास करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर के किनारे धार्मिक अनुष्ठान तर्पणा श्राद्ध विधि का संपादन किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सरोवर के किनारे पुलिस, सिविल डिफेंस व SDRF का जाब्ता तैनात रहा। पुष्कर मेले का धार्मिक स्नान आज कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलेगा और प्रातः काल से हजारों यात्रीगण स्नान के लिए आ रहे हैं और स्नान करके दर्शन लाभ ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पंचतीर्थ के स्नान को भीष्म पंचक स्नान भी कहा जाता है। इन 5 दिवस में भगवान ब्रह्मा जी धरती पर ही विराजमान रहेंगे और सबका कल्याण करेंगे। ऐसा माना जाता है पद्म पुराण के अनुसार कि भगवान ब्रह्मा आह्वान करने पर धरती पर आते हैं और विसर्जन पर धरती पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी विराजमान है और सारे मनुष्य का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। हजारों यात्रीगण स्नान लाभ लेने के लिए कई लोग तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर रहे हैं और कई लोग अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करने हेतु तीर्थ में आए हुए हैं और कई लोग पिंडदान भी कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी पूरे देवताओं के साथ में यहाँ विराजमान है। कार्तिक मास की 11 से लेके पूर्णिमा तक ये भीष्म पंचक स्नान कहलाएगा और पंचतीर्थ स्नान कहलाएगा।